इस मदरबोर्ड की पावर सप्लाई फॉल्ट है, यानी ये फिलिप्स सनसुई और वीडियोकॉन में यूज होने वाला ये मदरबोर्ड है। इसमें आज हम देखेंगे कि ये जो हमारा STR है, जिसके बारे में मैं इसके पहले वीडियो बनाया था, यानी 5L0380R, ये जो STR है इसे हम यूज करेंगे इस MOSFET के जगह पे। यानी यहाँ पे हम कोई भी मॉड्यूल यूज नहीं करेंगे। देखिए, जिससे यहाँ पर देखें ये शॉर्ट है, अब यहाँ पे क्या करना है कि एक STR लेना है जिसका नंबर आपको बताएं 380, यानी 5L0380 है। इसे दिखा दें आपको, देखिए ये है। अब इसमें आगे देखेंगे आप इसे यूज कैसे करते हैं, यानी एक मॉड्यूल के रूप में इसे यूज करना है। तो यहाँ पर देखें, ये 3 पिन का MOSFET है और ये जो 4 पिन का STR, इसमें हम 3 लैग को इसके MOSFET के जगह पे लगा देंगे और एक को ओपन करके वहाँ पे कनेक्शन कैसे करने हैं फीडबैक के, उसे हम दिखाएंगे और क्या क्या इसमें किया जाता है और कैसे मॉड्यूल के रूप में यूज किया जाता है, इसे आप डिटेल देखें। जैसे यहाँ पर देखें 3 पिन है, यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा ग्राउंड है और ये हमारा फीडबैक है लास्ट में। तो ये सबको जैसे आप डायग्राम में भी देखेंगे तो क्लियर दिखेगा, इसको हम यहाँ पर और इसको यहाँ पे, यानी तीनों को एकदम वहाँ पे बिठा देंगे और एक जो है यहाँ पे पिन नंबर 4 पे यूज करेंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसी के अनुसार जो है हम इसे मॉड्यूल के रूप में यूज करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम आपको दिखाएंगे इसके, यहाँ पे पहले हम दिखा दें ये ग्राउंड की लाइन है, इसे हम यहाँ पर कट कर देंगे इस पिन का, यानी ये ग्राउंड है। तो इस नेगेटिव पॉइंट को जो मेन फिल्टर से आता है, इसे यहाँ से कट कर देंगे, बस इतना। इसको यानी आप सर्किट डायग्राम में मिलाएंगे तो उसी के अनुसार यहाँ पे लगाना है। फिर हम आपको इसमें दिखाते हैं इसके वाटेज, यानी जो ये LED TV है, ये 32 इंच की यानी 32 इंच की LED TV है, इसके वाटेज 50 हैं। और दिखाएंगे ये मॉड्यूल लगाने के बाद कि हमारा ये LED TV कितना वाटेज लेता है, उसे कैलकुलेशन करके कैसे निकाला जाएगा, तो देखते रहिए। Thank you.
अब यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पहले का ड्राइवर सेक्शन, इसे रिमूव कर दें सारे कंपोनेंट को, यानी हटा दें यहाँ से। इसके बाद जो इसमें ज़रूरी काम है, यहाँ पे 4007 डायोड और 220 के एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर देखेंगे जो स्टार्टिंग सप्लाई पहले से दी गई है दो रेजिस्टेंस के द्वारा, यहाँ से उसमें आपको ये रेजिस्टेंस इसे हटा दिए हैं, इसे एक रेजिस्टेंस हटा दें, एक रेजिस्टेंस तो यहाँ से पहले लगा हुआ है उसे लगा रहने दें। यानी स्टार्टिंग सप्लाई ये आप 220 के रेजिस्टेंस और एक डायोड के थ्रू यहाँ पर देना है, जो कि एसटीआर के लिए जाएगा। आगे आपको दिखाते हैं। देखिए सप्लाई यहाँ पे मिलने लगी, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में ये सप्लाई ओके हो गई, यानी हमारा एसएमपीएस ओके हो गया। अब यहाँ पर आपको जो देखने वाली बात है, यहाँ पर आपको दिखा दें ये एसी सप्लाई भी, देखिए यहाँ से ये जो एसी सप्लाई मेंस हमारी है 214 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको पलट कर यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए ग्राउंड, और फिर यहाँ पर बीच में देखें, यहाँ पे हमारा, सॉरी एक मिनट डीसी पे कर दें, ये देखिए ये बीच में, एक सेकंड, ये देखिए 24 वोल्ट यानी डीसी सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरीके से ये हमारा एस एम पी एस ओके है। अब आगे हम आपको दिखाते हैं ये एम्पियर कितना लेता है, ये हमारा मदरबोर्ड, अगर हम एलईडी टीवी में इसे इंस्टॉल करके और फिर हम टीवी को ऑन करेंगे, उसके बाद हम दिखाते हैं ये एम्पियर कितना लेता है और इसके वाटेज कैसे क्लियर करें, कि जो हमारा, क्योंकि कोई भी एस एम पी एस बनाने से पहले उसके एम्पियर को देखना ज़रूरी होता है कि पहले के वाटेज से मैच है कि नहीं मैच है। हो सकता है कि हमारा पावर लॉसेज ज़्यादा हो, तो इसमें आपको हम स्पष्ट दिखाते हैं कि ये कितना वाटेज लेता है, यानी जो भी हम यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं उसके रिस्पांस क्या है। जैसे यहाँ पर देखें ये एम्पियर हमारा शो कर रहा है 0.227 मिली एम्पियर। इसे लाइट दे देते हैं, यहाँ आप देखें 0.227 मिली एम्पियर, ये एसी मिली एम्पियर है। अब इसका वाटेज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसकी जो मेन सप्लाई है, यानी जो हमारी मेन सप्लाई आ रही है इसका और इस एम्पियर से, यानी जैसे ये तो डीसी वोल्ट है जो हम आपको दिखाए हैं कि इस कंडीशन में ये सेट ऑन है और हमारी टीवी ओके है और इतना एम्पियर ले रहा है। लेकिन अब हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं कि इसके जो मेन्स वोल्टेज कितने हैं, यानी जहाँ पर हम कलम मीटर लगाए हैं उसी जगह पर। यहाँ पर देखें इस पर स्लिप चढ़ा दीजिएगा, ये जो हमारा 220 के रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जो ओपन किया गया, यहाँ पर आप एक वायर स्लिप चढ़ा दीजिएगा, ये हम दिखाने के लिए केवल ओपन ऊपर से लगाए हैं, इसलिए यहाँ पे कोई आइडिया नहीं लगाया क्योंकि दिखाना था हमको कि क्या क्या करने से ये चलता है। यहाँ पर इस, ये जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है इसे आप हटा देंगे। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसमें, यहाँ पे जैसे ये देखें कलम मीटर, ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ है जो कि एम्पियर शो कर रहा है, लेकिन अब हम इसे इसके साथ में, यानी जहाँ पे ये लगा हुआ है इसी के साथ में हम एक मल्टीमीटर और लगाएंगे जो हमारा एसी वोल्ट शो करेगा। दोनों वोल्टेज को यानी कैलकुलेट कर देना है, और कैलकुलेट करके वहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा वाटेज होगा, और वाटेज होगा उसका एलईडी का। यहाँ पर देखें ये इस समय ऑन है, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि लोड में देखें कि हमारी बैक लाइट ऑन है। यहाँ पे जो है ये सनसुई टीवी है, सनसुई, फिलिप्स, वीडियोकॉन, ये सभी में ये हमारा मदरबोर्ड यूज होता है। यहाँ पर देखें ये बैक लाइट हमारी ऑन है। अब यहाँ पे हम इसके साथ में जो है एक मल्टीमीटर लगाएंगे जो हमारा मेंस बताएगा 238 वोल्ट, यहाँ पे ये एसी सप्लाई बता रहा है यहाँ, तो 238 वोल्ट और 0.227 मिली एम्पियर दोनों को कैलकुलेशन करके
अभी हम कैलकुलेशन भी करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखें 238 × 0.227 मिली एम्पियर। अब नीचे देखिए आ गया है 54 यानी 54 वाट। लेकिन ये क्या है कि टीवी हमारा 50 वाट है। अब यहाँ पे वोल्टेज को हम कम कर लेंगे 230 वोल्ट और 220 वोल्ट पे, यानी दोनों पे। यहाँ पर देखिए 49 यानी 220 वोल्ट से, अगर यानी 238 वोल्ट एसी के जगह पे हम 220 वोल्ट से कैलकुलेट करेंगे या 230 वोल्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 49 वाट आता है, जो कि एलईडी टीवी पे 50 वाट है। इसके अनुसार ये जो है हमारी पावर सप्लाई ओके है। यहाँ पे किसी प्रकार से एक्स्ट्रा पावर लॉसेज नहीं है, यानी जो कंपनी की डिज़ाइन है उसी के अनुसार ये ओके है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।